किसने दी है, तो फटाफट से कमेंट करना कि रिंग कैसी लगी और किसने दी मुझे रिंग। जय श्री कृष्णा गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए एक और नया ब्लॉग। और जैसे कि आप लोगों ने कछाड़ा देखे ब्लॉग में देख लिया होगा कि हमारा नमह हो गया है टकलू, आई मीन टकलू नहीं हुआ, बट इसी हमने कटिंग करवा दी है। देखिए नमह, शक्ल दिखाओ आपकी, आपकी शक्ल दिखाओ, पहले शक्ल दिखा दो आपकी, आप कैसे टकले टकले हो गए। अरे तो हमने इसके बाल कटवा दिए क्योंकि इसकी गर्मी और थी बहुत ज़्यादा। और अभी सुबह सुबह हम लेके आए हैं नाश्ते में कचौड़िया, ये देखिए दिखाती हूँ आपको कचौड़िया। तो चलिए पहले फटाफट से खाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। तो देखिए, ओहो उसको मिल गया मिस्त्री का डिब्बा, दादी मारेंगी, मैं तो खा लूंगा लेकिन नहीं खाने दूंगी मैं, अपन कचौड़ी खाएंगे ना। तो चलिए हम कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता, कचौड़ी निकालते हैं पहले। तो ये है गर्मा गर्म कट्टी और कचौड़ी। तो गाइस कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो रही है, पहले खाते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। तो ये हमने मम्मी के लिए रेडी कर दिया, मिर्ची और चटनी डल के कट्टी के साथ। तो मम्मी शायद नहीं खाएंगे, भी देखते हैं क्या बोलती मम्मी। क्यों ना खा रही, पकड़ो 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 पकड़ो, दो देगा हमें, खा लो जल्दी से, उनको पता तो मना करेंगे मम्मी, क्योंकि मम्मी कम खाती है कचौड़ी, बाहर की उनको खाती नहीं है इसलिए। और अब हम भी कर लेते हैं नाश्ता। तो ये देखिए गाइस कितने सारे खाने निकले हमारे दो कट्टों में। हाँ मम्मी ओके, ये देखिए पूरी परात करके बाहर गिर गए, और जितने गिर रहे हैं नमें उठा उठा के रख रहे हैं, काम कर रहे हैं नमें, अभी नहीं भर रही। एंड दोस्तों अभी मम्मी जा रही है हमारे गांव मौसी के, जिन मौसी ने हमारे ये छाने भेजे हैं उनके गांव, कोई प्रोग्राम है। तो अभी टाटा बाजा करेंगे मम्मी को। और हमारे देखिए नींबू मोटे ही नहीं होते, मामा कितने मोटे मोटे हो रहे थे। और ये मेरे पैर में क्या चुप गया, काटा चुप गया, अरे पैर में आटा लगा। मैं छोड़ा, ये देखिए 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 ये देखिए क्या कर रहा है लड़का, अरे बाल के साथ दिमाग भी कट गया क्या, आज तय तय नहीं उठा के रखो वापस इसको। तो मम्मी कर रही है अभी पैकिंग जाने के लिए, ये देखिए लुगड़ी कब से रख ली मम्मी ने इसके अंदर। बेटा मत करे यार, वापस रख के आओ शैतान। तो गाइस मम्मी जा रही है अब गाँव पैक होके, पैक करने अब मैं भर लेती हूँ छाने, छाने भरेंगे छाने कट्टे के अंदर। कौन से वाले हैं भरो मम्मी, इसमें भरते हैं अभी छाने, थोड़े बहुत भर के रख देते हैं क्योंकि शायद बारिश ना आ जाए इसलिए। और ये देखिए शैतानी करने फिर से आ गया, पेन तो रखिए चप्पले। गाइस मम्मी चली गई है अपना गाँव, और ये देखिए मैंने सारे छानों को अकेले अकेले हिम्मत है मेरे अंदर उठा के देखिए वहाँ रखा है, शिफ्ट कर दिया क्योंकि बारिश का मौसम होने वाला है। मम्मी का फोन आया कि बारिश आ सकती है तो उठा के रख दे, तो देखिए मैंने उठा के रख दिया। एंड गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस रिंग के बारे में, किसने मुझे रिंग गिफ्ट करी थी, मेरा कुछ भी बोल लो फ्रेंड ने, लेकिन उसने मेरे को मना करा है कि ब्लॉग में मैं उसका नाम ना लूं, लेकिन एक थैंक यू तो बनता है इस रिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस रिंग। ये देखिए रिंग कितनी प्यारी लग रही है, चांदी की रिंग है ये, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा रिंग देख के। वैसे आप लोग देख सकते हैं मैं हाथ में कुछ भी नहीं पहनती हूँ, बस मैंने अभी रिंग पहनी है क्योंकि मुझे अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच, आपका नाम आपने मना करा बताने के लिए, तो आपका नाम मैं नहीं लूंगी ब्लॉग के अंदर, लेकिन मेरी उस स्पेशल फ्रेंड को थैंक यू, दिल से धन्यवाद जी, बहुत ही प्यारी लगी मेरे को और मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी अब, क्योंकि गिफ्ट किसी की निशानी होता है कोई प्यार से देता है उसे पहन लेना चाहिए। तो मैं भी इसको पहन के रखूंगी, इसको कभी नहीं उतारूंगी। और अभी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ गाइस, तबीयत दोबारा से खराब हो रही है, खांसी चल रही है मुझे। थैंक यू अगेन। तो गाइज अगर रहा तो आपको जरूर बताएंगे इस रिंग के बारे में कि मुझे किसने गिफ्ट करी थी, अगर उनकी परमिशन रही
मैं पूछ लूंगी एक बार ही, लेकिन आप लोग उनसे उनको जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो थोड़े शाये हैं तो इसलिए बोलने नहीं देते मेरे को, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। बट मैं बहुत 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 कोशिश करूँगी, पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। और ये देखिए मेरा फ़ोन लेके आ गया है लड़का, और विराट और सही का नाटक देख रहा है। और ये नाटक मुझे बहुत पसंद है। गुम है किसी के प्यार में दिल ये शुभ है शाम। तो गाइस मैं बहुत खुश हूँ, सोच तो रही हूँ आप लोगों को बता दूँ किसने रिंग दी है, आप लोगों को पता भी है कौन दे सकता है, और लेकिन जब वो ही नहीं चाहते कि नाम ले तो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। बट आप लोग समझ गए ना किसने दी है, तो फटाफट से कमेंट करना कि रिंग कैसी लगी और किसने दी मुझे रिंग। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, और रिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अभी देखिए आई नो बारिश आ सकती है, आई होप नहीं, आई नो आएगी बारिश, मौसम बिगड़ रहा है। एंड अभी हमने बना ली है रोटियां, और बस अब बनाना बाकी है सब्जी, जो कि बनाऊंगी नमकीन की, तो टमाटर नहीं है अभी, तो निक्की टमाटर लेके आएंगे तो हम सब्जी बनाएंगे। देखिए कैसे बैठ गया नीचे, कटिंग करा के बहुत अजीब लग रहा है यार, इसकी मैं कटिंग ऐसी नहीं करवानी थी, और बहुत छोटे बाल हो गए बच्चे के, बट कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ सो हुआ है ना। किसने दिए तो फटाफट से कमेंट करना कि रिंग कैसी लगी और किसने दी मुझे रिंग। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, और रिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अभी देखिए आई नो बारिश आ सकती है, आई होप नहीं, आई नो आएगी बारिश, मौसम बिगड़ रहा है। एंड अभी हमने बना ली है रोटियां, और बस अब बनाना बाकी है सब्जी, जो कि बनाऊंगी नमकीन की, तो टमाटर नहीं है अभी, तो निक्की टमाटर लेके आएंगे तो हम सब्जी बनाएंगे। देखिए कैसे बैठ गया नीचे, कटिंग करा के बहुत अजीब लग रहा है यार, इसकी मैं कटिंग ऐसी नहीं करवानी थी, और बहुत छोटे बाल हो गए बच्चे के, बट कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ सो हुआ। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, और रिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अभी देखिए आई नो बारिश आ सकती है, आई होप नहीं, आई नो आएगी बारिश, मौसम बिगड़ रहा है। एंड अभी हमने बना ली है रोटियां, और बस अब बनाना बाकी है सब्जी, जो कि बनाऊंगी नमकीन की, तो टमाटर नहीं है अभी, तो निक्की टमाटर लेके आएंगे तो हम सब्जी बनाएंगे। देखिए कैसे बैठ गया नीचे, कटिंग करा के बहुत अजीब लग रहा है यार, इसकी मैं कटिंग ऐसी नहीं करवानी थी, और बहुत छोटे बाल हो गए बच्चे के, बट कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ सो हुआ। सो गाइस फाइनली नमे का सपना पूरा हो गया, ये देखिए नमे बैठ चुका है ट्रक में। तो नमे कैसा लग रहा है आपको, नमे पोज मारो, पोज दो, पोज करो ना, टिक्कर है। हाँ बेटा, तो हमेशा बोलता है ये ट्रैक्टर देख के खुश होता है, तो पहली बार बैठ गया ये हमारे बनवारी भैया इनके ट्रक ट्रैक्टर के अंदर, इनके पानी का टैंकर आया, तो ये देखो अभी हाई कर दो, प्लैंक किस कर दो। तो नमे का सपना फाइनली पूरा हो गया बैठने का, हाय। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ नमकीन की सब्जी, क्योंकि वो तो नहीं बनाएंगे आके, मुझे पता बैठ गए, ये मैं ही बना रहे थे खड़ा सा, भूख ही लग रही है बहुत, और 9 बज गया खाना बनाते बनाते। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग होता है यहीं पे एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।